शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुमार कुमार चिल आउट ब्रो, एवरीथिंग्स ऑन शेड्यूल। अरे सारी लड़कियां सिलेक्ट हो गई हैं, अगले हफ्ते मिलूंगा सब कुछ लेकर। फिलहाल प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है, टिल देन जस्ट चिल ऑन योर यार्ड ब्रो। ओके सी यू। यू नो हु दैट वाज? अरे कुमार की कैलेंडर गर्ल्स हैं कहां? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शन सर। वेल देन दिस इज द इंस्ट्रक्शन, कॉल देम। आई वांट ऑल ऑफ देम इन मुंबई, टेल देम टू टेक द नेक्स्ट फ्लाइट आउट। ऑलराइट, कम ऑन, दिस इज शो टाइम। ये घर का आम का अचार है और ये घर का बनाया देसी घी, खा लेना, पता नहीं वहाँ क्या खाने को मिलेगा। और देख ये हनुमान जी का फोटो है, ये भी रख रही हूँ। मॉडल सॉडल बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मंगलवार करना छोड़ दे, ठीक है? मेहता साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? मेहता साहब मेरी बेटी ना मयूरी कल मुंबई जा रही है। जी 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 जी, फ्लाइट से जा रही है कैलेंडर गर्ल बनने। जी 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 मेहता साहब, आप तो एयरपोर्ट पे हैं और मेरी बेटी का टिकट ना इस वक्त इकोनॉमी में कंफर्म हुआ है। और हाँ मैं चाहता हूँ कि अगर बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप कर सकते हो तो। बस इतनी सी बात थी मेहता साहब, बस और कुछ नहीं। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सर। हो गया प्रमोशन हमारी बेटी का, बड़ी तेज किस्मत है इसकी। बेटी किसकी है, लॉन्ग जंप मारती है सीधा, बहुत आगे जाएगी। अब देखना अब कैसे बनती है मयूरी रोहतक की रानी। क्या बात है, लेट्स टेक अ सेल्फी। यस प्लीज। यस, ये पूरा दुनिया का सामने इतना कपड़ा पहने की तू छी और चढ़ा सर पर सुंदर सुंदर बोल के, अब सबको दिखाएगी अपनी सुंदरता और पूरी दुनिया मजा लूटेगा। आपको कैसे पता दादा, आपने भी लूटा मजा ऐसी लड़कियों का। बाबा तुम्हें भी तो जाओ, एर संगे तो हम ही कथा बोलो। दादा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ 5 लोगों को चुना है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ठीक, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन वापस नहीं आना। नहीं आऊंगी बाबा, पर एक दिन आप सबको बुलाऊंगी मुंबई में, प्राउड फील करोगे अपनी पारोमा पर, देखना। पारोमा पारोमा कॉन्ग्रेचुलेशन शारदा, इतनी बड़ी कंपनी की यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बनके तुमने अपने मॉम डैड को भी पीछे छोड़ दिया। थैंक यू सो मच जयश्री आंटी, आई होप आई मेड द होल फैमिली प्राउड। यस, नंदिता कहीं दिखाई नहीं दे रही? नंदिता वो रही। हेलो नंदी बेटा। हेलो आंटी। ओवर अचीवर्स के घर में पैदा होने के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना नंदी बेटा?
मॉम डैड सीईओ, बड़ी बहन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आगे के लिए। मेरा भी सिलेक्शन हो गया आंटी। वाओ, IBM और इंफोसिस कैलेंडर में। कैलेंडर? या कौन से बैंक का? धनलक्ष्मी? वो कैलेंडर तो सिर्फ डेट दिखाते हैं आंटी, मैं तो इंडिया के सबसे हॉटेस्ट कैलेंडर की बात कर रही हूँ। आर यू सीरियस? जानती हूँ आंटी, थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये कैलेंडर आएगा ना तो छा जाऊंगी मैं हर जगह। और वैसे भी आंटी, सीईओज और वीपीज तो हर कंपनी में होते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोट करने के लिए होर्डिंग पे तो प्रियंका और दीपिका ही होते हैं ना, है ना आंटी? नाज़नीन, लाहौर से लेकर लंदन तक काफी तरक्की हो गई तुम्हारी, क्या कुछ बाकी रह गया था जो हिंदुस्तान जाकर कैलेंडर गर्ल बनने का जुनून सवार हो गया तुम्हारे सर पर? इंजमाम, हमने अभी तक जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया है, अभी तो आगे बहुत ऊंचाइयां छुनी हमें, और एक कैलेंडर गर्ल बनना हमारे लिए एक जरिया बन सकता है बॉलीवुड के लिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम बॉलीवुड में जाओ, जो करना है लंदन में कर लो। नहीं हो पाएगा इंजमाम, हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, हम नहीं छोड़ सकते इस मौके को। इसका मतलब तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगी? क्या उस दिन को भूल गई जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर के उस कूचे से निकाल के लाया था? तो तुम भी चलो हमारे साथ। पागल मत बनो, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान। तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते इंजमाम, हमने फैसला ले लिया है, हम इंडिया जा रहे हैं। नाज़नीन, नाज़नीन, क्या मजाक है ये? लगता है तूने दिल बना लिया है हिंदुस्तान जाके वहां के मर्दों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सर्विस देने का। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया। यू नो व्हाट, यू गोना बिकम अ ब्लडी चीपो। तेरा कैलेंडर गर्ल्स में सिलेक्शन तो हो गया, पर आई श्योर यू वांट टू डू दिस थिंग। जानवी, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं इराक जा रही हूँ। अरे, मैंने उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना है यार, उधर सब कुछ चलता है, बूज, ड्रग्स, सेक्स, ऑर्जीज। आई रियली होप सो यार। वैसे अपने गोवा के बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं, यहाँ कॉलेज में लड़कियाँ बिकिनी पहनकर घूमती है और यहाँ बूज और बेब्स इतनी इजीली अवेलेबल है जैसे अंडा और पाव। सच है क्या? नहीं तो एग्जैक्टली यू नो, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है एक अच्छा एक्सपीरियंस। जब ये कैलेंडर वाले पिक्चर्स अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को दिखाऊंगी ना, तो वो भी सोचेंगे कितनी हॉट थी हमारी ग्रैंडमॉम। शारिन, यू आर क्रेजी। क्रेजी नहीं, सॉर्टेड हूँ, तू आराम से आ, मैं भाग के आती हूँ। यू नो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल कीप डूइंग, बिहेव लाइक एब्सोल्यूट डोंट्स। Excuse me, sir. Yes. Timmy's here. Kumar. Timmy, my man. How are you doing? How are you? Very well. Sab theek? Bilkul. Come. Thanks. Sit. Guys, set it up. Yes. Thank you. So, kya chal raha hai? Timmy, 15 saal se hamara ye joint venture hai, ha? 15 saal. Tumhe malum hai? I have so many businesses. Par koi business mujhe itni kick nahi deta jitni ye, because this is not a business. This is my passion, my friend. Look at the calendar. It's a hit. Pehle high society wait karti thi. Today, all of India waits for it. You know why? Kyun? This calendar has become the symbol for all of India. It's the symbol of success, of aspiration, achievement, power. Is saal maine copies bhi double kar di hain. Oh, really? Wow. Tell me what's in store. Right away. Slides, please. So here are your calendar girls. The first one is Paroma Ghosh. Bong bong. Stunning. Nazneen Malik. Lahore, Pakistan. Cute, eh? Aur ye hai Nandita Menon from Hyderabad. This one is Sharon Pinto. Sassy lass from Goa. And last but not the least, Mayuri Chauhan. Oh my God. Small town girl, Rohtak. But big value. Thank you. So? Superb. Superb. Where do you get these girls from? I'm not going to tell you my secret. So tell me, what's the destination? Is saal kahan shoot karne ka irada hai? You know, I'm thinking white sands, blue seas. Mauritius.
Superb. I'm very, very, very happy. This is brilliant. Thank you. Welcome to Constance Le Prince Morris. Yes. So, girls, कल से we start shooting. लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरे लिए कुछ करना होगा. कुछ ऐसा जो हर कैलेंडर गर्ल को हर साल शूट के एक रात पहले करना ही पड़ता है. इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की रात आप एक एक करके मेरे साथ और आपस में भी थोड़ा खुल जाएं. Come on, girls, lighten up. Shed your inhibitions. तो हम लोग ये करेंगे कि आप सभी अपने बारे में कोई डार्क और डीप सीक्रेट मुझे बताएंगे. ओके? ओके. और हाँ, बी ब्रूटली ऑनेस्ट. ऑलराइट? तो चलिए किससे शुरू करें? शैरन, तुमसे शुरू करते हैं. टेल मी, तुमने पहली बार, व्हेन डिड यू फर्स्ट रियली फील अ मैन? आई वाज 15. व्हाट? व्हाट? मैं स्कूल में थी, फिर वो मेरी स्कूल में नहीं था. ही वाज माय नेबर एंड ही वाज अ सेलर. मेरी ना एक फैंटेसी थी कि केट विंसलेट की तरह मैं अपने लियोनार्डो के साथ वो एपिक पोज दूं टाइटैनिक वाला. बट देयर वाज ओनली वन प्रॉब्लम. क्या? उसे सिर्फ पोज करना आता था, पोजीशंस नहीं. अरे, ही टर्न्ड आउट टू बी अ 2 मिनट्स नूडल. व्हाट? गॉड. गुड. थैंक यू शरण. या नंदिता. या बोलिए.
मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ था वो था नहीं थी जेनी, हम दोनों 17 साल के थे, सेम स्कूल सेम क्लास। वो कभी कभी मेरे घर कंबाइंड स्टडीज के लिए आती थी। उस दिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पानीपत की लड़ाई। बहुत ही बोरिंग चैप्टर था, तो हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया। और ट्रस्ट मी गाइस, वो 5 मिनट उस पानीपत की लड़ाई से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बट हेलो, इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट स्ट्रेट, आई एम स्ट्रेट। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पारोमा, तुम्ही किचु बोलो। मेरा सिर्फ एक ही रिलेशनशिप था। ओके। और वो भी बहुत सीरियस टाइप का। पिनाकी चैटर्जी। हम कोलकाता में रोज मिलते थे। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। वो भी करता था। शायद। फिर उसको अपना करियर बनाना था। कोलकाता छोड़के मुंबई जाना था। उसे जाना था, मैंने उसे जाने दिया। He was very ambitious, which I liked. He's the only guy I had physical relationship with. उसके बाद, not in touch. Sad, but होता है ना? नाज़नीन, कुछ अपने बारे में बताओ। इंज़माम, my boyfriend, मतलब ex boyfriend. और इकलौता मर्द जिसके हम सबसे करीब थे। उसी ने हमें सब कुछ सिखाया है। हमारी और इंज़माम की रिलेशनशिप काफी पैशनेट थी। यू नो, जितना वाइडली हम लोग लड़ते थे उससे कई ज्यादा वाइडली हम लोग प्यार करते थे। वेल, ज्यादा गुमान नहीं कर रहे हैं, पर हमें पूरा यकीन है कि हम किसी भी मर्द को खुश कर सकते हैं। नाइस, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। मयूरी, अब तुम कुछ ऐसा सुनाओ जो इन सब के कन्फेशन से ज्यादा सेक्सी, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा सरप्राइजिंग हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वर्जिन। कम ऑन। बट यू नो, कुछ ऐसी वैसी हरकतें ना मैंने भी की है। ओह रियली? यस। जैसे कि? मेरा एक ना रोहतक में बॉयफ्रेंड था, गुड्डू। गुड्डू? उसके ना पापा का एक तबेला था। तो एक दिन ना वो मुझे शाम को उस तबेले में लेके गया किस करने के लिए। और थोड़ा बहुत किस हुआ भी। But you know, एक तरफ तो वो गोबर की स्मेल और दूसरी तरफ वो गाय भैंस इतना हल्ला मचा रहे थे कि हमारी बात किससे आगे ही नहीं बढ़ी। और फिर मैं वहां से डर के भाग गई। She's not that great. But guys, well done. Thank you so much for sharing. और by the way, मैंने आप लोगों को यहाँ बस इतना ही खुलने के लिए बुलाया था, ओके? So chill. और वो सीरियस नोट, मैं चाहता हूँ कि कल का शूट आज तक का सबसे ग्लैमरस, सबसे सेक्सी, सबसे थ्रिलिंग कैलेंडर शूट हो। Yes. In short, the best calendar ever shot. Are you girls game? Yes. That's the spirit. Now let's go. Cheers. 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 वेव है, आजा सारे रेव है। पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। पार्टी है, वेव है, आजा सारे रेव है। पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। ग्लैमर है, बेब्स है, आजा सारे रेव है। पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। डांस डांस बेबी डांस अलोंग। Awesome, what am I?
बातें होने लगी हैं, चेहरों में आंखें खोने लगी हैं, नाजुक अदाएं ये कह रही हैं, लहरों के जैसे ये बह रही है, नंगे नंगे पांव नीचे चमकीली रेत है, पहाड़ी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है, नंगे नंगे पांव नीचे चमकीली रेत है, पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है, ग्लैमर है पेप्स है आ जाओ सारे रेव है, पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है, dance and dance baby dance along on the party party baby party song, oh dance and dance baby dance along on the party party baby party song, awesome mara maya My God, it's gonna be rocking. I am so excited. तुम लोगों को पता है कल की लॉन्च पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं? मैं तो ना फुल ऑन नेटवर्किंग करने वाली हूँ. I'm glad कि मैंने कुछ अचीव किया. इतना प्रेशर था, यू नो. After all, मेरे जैसा फैमिली बैकग्राउंड सबका तो नहीं होता. Touch wood. मैं तो बस खुश हूँ कि मैंने कुछ अलग किया है. It's been such a different experience. Yeah. Hey girls, dresses are here. Which dress you want to pick, darling? Red. Red? I'm gonna get that one. What yeah. the heck? Oh. Thank you. Yeah, she's such a jerk. Chill kar, yaar. Tujhe to pata hai ki Mayuri kaisi hai. Aur waise bhi, jo jiske kismat mein hai, wo se mil hi jata hai. Come, let's get you a nice dress. Come na. What? Come on. Ya Naz, hamara bas calendar launch hone de. Fir dekhna. जिस टीवी पर बॉलीवुड की स्टार्स को देखा करते हैं उसी टीवी पर मेरे बाबा और दादा जब मुझे देखेंगे तब समझ में आएगा बड़ा अचीवमेंट क्या होता है. और हम ये सोच के डर रहे हैं कि बात ज्यादा बड़ी ना हो जाए. पाकिस्तान में हमारी बिकिनी पिक्स को देख के कहीं हमारे खिलाफ फतवा ना जारी हो जाए. वैसे एक बात तो है, तू बहुत डेयरिंग बाज है. मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी लड़कियां भी ये सब करती है. अरे क्यों? पाकिस्तानी लड़कियां भी उतने ही बोल्ड काम करती है जितनी बाकी लड़कियां करती है, बल्कि कभी कभी उससे ज्यादा भी. यस. आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर कुमार एंड मिस्टर टिमी टू अनवील द कैलेंडर 2014. Waiting for tomorrow. Yes. Yes.
फरमा घोष पिनाकी, ये तो जादू हो गया। तुम यहां ऐसे? आई एम सो शॉक्ड। तुम शॉक्ड हो और मैं खुश। बहुत देख लिया से पंडाल कोलकाता में, यहां तो सिर्फ तुम्हें ही देखने आया हूं। पता तो चल गया था कि तुम यहां आई हो, और वो भी परुमा बन के नहीं, परुमा चीफ गेस्ट। वैसे काफी पतली हो गई हो तुम। अच्छा, मतलब कोलकाता में मैं मोटी थी? कोलकाता में कभी नहीं बताया ऐसे। पागल, कोलकाता में बोलता तो तुम्हारे साथ हर रोज डेट पे जाने का प्लान जो फ्लॉप हो जाता। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें पारोमा, कोलकाता से भागकर इधर आई सबसे लड़कर और यहाँ आकर कैलेंडर गर्ल बन के दिखाया। इट्स अ बिग अचीवमेंट। एनीवेज, मेरे बारे में बहुत जान लिया, अब तुम्हारे बारे में बोलो। पूछो। और क्या चल रहा है मुंबई में? ठीक है, नॉट बैड। मुंबई इज बीन गुड टू मी। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कुछ क्रिकेटर्स का भी काम संभालता हूँ, तो या मुंबई इज बीन गुड। वाओ, क्रिकेटर्स, आई शुड हैव गेस्ड। तुम तो बड़े एंबिशियस थे पहले से। थैंक यू। तो अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना पिनाकी? पैसा, गाड़ी, बंगला और गर्लफ्रेंड्स? बस वही नहीं है। क्यों, टाइम नहीं मिला? सही लड़की नहीं मिली। ओह, आई सी। अच्छा, मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। इतनी सुंदर लड़की और इस पंडाल में अकेली, बात क्या है? बॉयफ्रेंड कहाँ है, घर पे छुपा रखा है? आई एम स्टिल सिंगल, बहुत काम है एंड आई नीड टू फोकस। ओके, एनीवेज, आई नीड टू गो। या, आई विल हेल्प यू, कम। ओके। परमा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। वी मस्ट कीप इन टच। यू टू, टेक केयर। और एक चीज तो तुम्हें बताना भूल गया, मुंबई में पुचका को पानी पूरी कहते हैं। Anirudh, hi. Hey, Sharon. How's it going? You look gorgeous. Thanks to you, itna acha amante ka ad jo dilwaya. Really? Itne mein impress ho gayi tum? Trust me, ye to sirf shuruaat hai. Thanks. Acha, main abhi change karke aati hu. Let's catch up. Sure. I'm very happy and privileged ki tumne meri company Talent Lab ko select kiya hai apna kaam dekhne ke liye. Ab tum dekhti jao. Endorsements, fashion shows, photo shoots, magazine covers, you name it and I'll line it up for you. Kya hua? Why are you smiling? You know, the only thing that matters to me is good and interesting work. Main sirf acha aur hatke kaam karna chahti hu. That being said, I'm very happy ki tumhari agency mera kaam handle karegi. Beauty with brains, huh? I must say you're a very sorted girl and I like that. Thanks. Let me show you what I've lined up for you. It's okay, Anirudh. I trust you. Fine then. I guess it's a great start. I'll tell you what. Let's go out and celebrate. Come on. Aaj nahi, please. Aaj main bahut tired hoon. Oh ho, Sharon. Hamari industry mein ye tired wired hona na, is par ban laga hua hai. Dekho, simple sa funda. Tum party karogi nahi, to dikhogi nahi. Aur log agar tumhe dekhenge nahi, to tumhara ye khoobsurat sa chehra dikhega kaise? Huh? So chalo, let's go. Trust me, मैं आ जाती, but it's just that कल मेरा एक early morning shoot है. Next time पक्का. Next time when we meet, we are gonna party like there's no tomorrow. Done. Deal. Deal. See you, sweetheart. See you. नाज़नीन, दिखा दिया अपना जिस्म हिंदुस्तान में भी। वैसे एक बात बता, तेरा जो ये कैलेंडर शूट है, इसका बजट तो बड़ा कम होता होगा ना? तभी तो तूने दो-दो इंच के कपड़े पहने थे ना?
क्या दिखाना है क्या छुपाना है, इतनी समझ तो तुझे आई नहीं होगी ना। इंजमाम बंद करें ये सब, खुदा के वास्ते चुप हो जाए। खुदा का नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से। तूने जो किया ना वो हमारे में हराम है। दोसक की आग में चलेगी तो बेगैरत औरत। इंजमाम नाम मत ले मेरा। कैलेंडर कर लिया, अब क्या बॉन करेगी? बॉलीवुड की फिल्में करेंगे, ऑफर्स आ रहे हैं। हाँ, अब तो तू बॉलीवुड में काफिरों के बिस्तर गरम करेंगी ना। इंजमाम देखिए मयूरी जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन। तिवारी जी, योर इंग्लिश इज सो वीक। क्यों, क्या हुआ? फर्स्ट गुड मॉर्निंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आज शूटिंग का पहला दिन है तो आज ही से सबको इंप्रेस करना शुरू कर दूं। डोंट वरी तिवारी जी, आई विल हैंडल इट, यू जस्ट सी। बॉबी जैसे ही ट्रेन से उतरेगा फिर मयूरी आएगी, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। पहली फिल्म वो भी आपके साथ। नाइस। सर पर मैं बचपन से ही सबके लिए बहुत लकी रही हूँ, और अगर हमारी फिल्म हिट नहीं हुई तो आप देखना। सर आप बस आशीर्वाद दे दो। ओके ओके ओके। Mayuri, I want the same expression which you gave at the time of audition. Okay? यही वाला सर, यही वाला? Okay. बाद में, yes? Thank you, sir. Thank you. By the way, Ricky, nice shirt. Thank you, ma'am. एक कटर देना उधर. Hello, Venkat sir. कैसी लग रही हूँ मैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया. Sir, आप प्लीज मुझे मेरा बेस्ट एंगल बता देना ताकि मैं बेस्ट लगूं मूवी में. Sure, sure, sure. Thank you, sir. Sure. अरे, ब्रेकफास्ट किया आपने? नहीं नहीं, अभी नहीं. Don't worry. मैं मेरे घर से आलू के पराठे लाई हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे. ठीक है, ओके. पक्का? हाँ. I'll see you, sir. सर, और तुम सामने से आ जाना. सर, हमारी फिल्म ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है सर. मतलब? मतलब सर बहुत सारे लोग किसी टॉपिक पे ट्वीट यानी कि डिस्कस करने लगते हैं ना सर, तो वो ट्रेंड करने लगता है. अभी ये देखिए सर, सर सब लोग हमारी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं सर, सब लोग. लेकिन ये हुआ कैसे? सर मयूरी की वजह से. सर 5 लाख फॉलोअर्स है मैम के ट्विटर पर, और सुबह से 5 बार ट्वीट कर चुकी है मैम इस फिल्म के बारे में. सर फॉलोअर्स ने तो बातें करनी शुरू कर दी है, और 1 घंटे के अंदर फिल्म ट्रेंड हो गई है. देखना ये लड़की बहुत आगे जाएगी. यस सर. ऑडिशन डिफिकल्ट था, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब. याद रखिए हमारा डायरेक्टर तुमसे बहुत इंप्रेस्ड है. रियली? यस. और नाज़नीन, इस फिल्म में ये रोल अब तुम कर रही हो. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. नाज़नीन, मैं ये फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसका स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल रखा है. सारी की सारी शूटिंग मुंबई में ही है, एंड यू विल रियली एंजॉय इट. लेकिन नाज़नीन, तुम्हारा कोई ट्रैवल प्लान तो नहीं है? नॉट एट ऑल सर, हम तो मुंबई सिर्फ काम के लिए आए हैं. नाइस, दैट्स नाइस. एंड दिस इज योर साइनिंग अमाउंट. Thank you so much, sir. Looking forward to. Thank you so much. Seriously, Nandita, finally, it's so good to meet you. Yeah. And trust me when I say that out of the 5 calendar girls, you are my favorite. That's so sweet. So what's next, Bollywood? Let's see, I'm getting few offers. Oh, let's see great. When it happens. Hi, Nana. Harsh Narang, lovely. How happy am I to see you? Same here. Let me introduce you to the very gorgeous Nandita Menon, calendar girl. Hello. Yes. And of course, this handsome young man, I don't think I need to say too much about him. Of course, you don't need to. Inhe to main bahut baar mil chuki hu. Really? TV aur akhbaron mein. And recently, maine inhe dekha Business India magazine mein. He's in the top 50 entrepreneurs of India. I'm impressed. मुझे नहीं पता था मॉडल्स इतने अपडेट होते हैं. I mean, about the world of business. I'm glad I changed your opinion. वैसे नंदिता, you know, Harsh leads the perfect life. Mm-hmm. Private jets, cars, wine, khana pina. He does everything in style. Ah. But just when you think you figured him out, he'll surprise you, you know? He's very sweet, but also very, very impulsive. Hmm? Oh, come on, Nana. Sheetal, I'll be right there. You guys check. Sure. I'll see you. See you. So, enjoying the party? Yeah. Nandita, frankly, मैंने तुम्हारा कैलेंडर नहीं देखा, but I'm sure you must be looking gorgeous on it. Thanks. So, is this your first time in Jodhpur? Yeah, and I'm very happy to be here. That's nice. कब तक हो यहाँ? बस कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, back to Mumbai. Cancel कर दो फ्लाइट.
कैंसिल कर दो फ्लाइट. Are you serious? Yes. We'll have breakfast कल सुबह at Mustard Farm. But. Don't worry. I'll send you back on my plane. लेकिन. मेरा ड्राइवर तुम्हारे होटल पहुंच जाएगा. See you then. Tomorrow morning. नंदिता ये हमारा फैमिली स्टड फार्म है और मेरा पैशन भी. Wow. I just love horses. I keep an eye on each one of them. और पता है इनमें से कुछ घोड़े फोर्थ जनरेशन की नस्ल है. Wow. ये घोड़े रेस में दौड़ते हैं? Of course they do. काफी सारे डर्बीज जीते हैं इन्होंने हमारे लिए. They've made us Narangs very proud. That's nice. So, what next? मेरा मतलब है कैलेंडर गर्ल्स के बाद क्या? Oh well, my career has just started. ऑफिस तो बहुत आ रहे हैं और अभी अगले हफ्ते इस प्लास्टिक सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही हूँ. वैसे मूवीज में आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट कुछ ऑफर्स आ रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है. होप फॉर द बेस्ट. मुझसे शादी करोगी? हाँ. नंदिता विल यू मैरी मी? मैडम एक बुके अमन खन्ना के बर्थडे के लिए 3,000 का और वो जो प्रोड्यूसर है ना पूजा और रोहित उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उनके लिए 2,000 का बुके और एक बुके राम धनुआ जी के लिए उनके 25 साल पूरे हो गए फिल्म इंडस्ट्री में और एक ऋषभ चोपड़ा के लिए वो 3 फिल्में अनाउंस करने वाला है उनके लिए सबसे महंगा 5,000 का. अच्छा एनीवे तिवारी जी कल मेरे ड्राइवर नकुल का बर्थडे है उसके लिए भी बुके? ऑफ कोर्स तिवारी जी 250 का एक बुके देंगे एक अच्छी सी फोटो खींच के ना सोशल मीडिया पे डाल देंगे. लोगों को पता चलना चाहिए कि मयूरी चौहान कितनी सेंसिटिव है अपने स्टाफ के लिए. वाह 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 मैडम इसे कहते हैं दूर की सोच. दूर की सोच नहीं तिवारी जी इसे कहते हैं पीआर. ओह वाह वाह मैडम वाह सच कहता हूँ आप बहुत आगे जाएंगी. थैंक यू तिवारी जी. पर तिवारी जी हाँ. हम ये फिल्म इंडस्ट्री वालों पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं बुके पर बुके हम उनको भेज रहे हैं बट आगे का क्या प्लान है. मैं कोई एक आधी फिल्म करके रोहतक वापस नहीं जाऊंगी. मुझे बड़ा पैसा बड़ा स्टार और बड़ी फिल्म तीनों चाहिए. अरे मैडम ये तीनों चीजें एक साथ बड़े से बड़े स्टार को भी नहीं मिलती थोड़ा रुकना पड़ता है. एक पार्टी है जहां से हमें फायदा हो सकता है वहां से हम पैसा निकाल सकते हैं. बिल्डर मखीजा का बेटा बबलू मखीजा हीरो बनना चाहता है हीरोइन ढूंढ रहा है 1.5 करोड़ देने के लिए तैयार है. 1.5 करोड़? अब आप ही सोचिए 1.5 करोड़ में ही क्या क्या हो सकता है. 1.5 करोड़ क्या बात कर रहा है. बैंड्रा में भी चालू हो गया. जा मायला ये लोगों को ना शांति नाम का चीज ही नहीं है. हाँ ठीक है ओके बाय. क्या हुआ? क्या होना क्या है मैडम उधर वो बॉर्डर पे अपने जवान लोगों को पाकिस्तान वालों ने मारा ना तो इधर पूरे देश में उसके खिलाफ मोर्चा हो रहा है दंगल हो रहा है जालपोल हो रहा है. क्या बताओ आपको. एक बात बोलूँ क्या मैडम ये पाकिस्तानी वालों को ना सालों को बहुत चर्बी है. सही बोल रहा हूँ ना. हम पाकिस्तानी हैं. अब सॉरी सॉरी मैडम वो गलती से मुंह से निकल गया. सॉरी मैडम. ये लो मैडम आपका लेन आ गया. इधर ही छोड़ने का था ना आपको. मैडम वो देखिए वो आपके जैसा फोटो है वो लेडी का. ये आपका ही है. मुंबई शहर में जगह जगह मोर्चा निकाल कर ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने से रोका जाएगा. क्या हो रहा है मैडम ये. ये हुई है ना नाज़नीन मलिक.
शैरन, पहली बार हमें हमारी जान की फिक्र हो रही थी। प्लीज, हमें बहुत डर लग रहा है इस वक्त शैरन। वैसे तुम्हें काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए लंदन क्यों नहीं चली जाती? तब तक यहाँ का माहौल भी ठीक हो जाएगा। नो, इंजमाम बौखलाया हुआ है, बहुत नाखुश है। लंदन अब ऑप्शन नहीं हमारे लिए। तो फिर तू एक काम कर, तू यही रह जा मेरे अपार्टमेंट में। यू कैन यूज एनीथिंग यू वांट, जस्ट फील एट होम। थैंक यू सो मच। अरे स्टॉप ऑल दिस यार, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है कि यू आर सो स्ट्रेस्ड एंड आई हैव टू गो। अरे नाज, ये दुबई वाला शो नहीं होता ना तो मैं यहीं रह जाती तेरे साथ। बट आई विल बी बैक इन 3 days। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड। इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने से रोका जाएगा। कला और कलाकारों। हेलो, हाय नाज़नीन, मैं विक्रांत आचार्य बोल रहा हूँ। जी सर। तुम्हें न्यूज़ तो मिली गई होगी। मुझे अभी अभी कुछ लोगों के फोन आए। शायद उन्हें पता चल गया है कि हमने अपनी फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की को कास्ट किया है। नाज़नीन, तुम तो जानती हो कि हमारी फिल्म की सारी शूटिंग मुंबई में ही है, और इन हालात में यहाँ शूटिंग करना, तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी सर, पर सर ये मामला तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी नाज़नीन, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग और पोस्टपोन नहीं कर सकता। नो वे, मैं अपना ऑफिस बॉय भेज रहा हूँ, तुम प्लीज चेक लौटा देना। सर लेकिन हेलो सर, हेलो हेलो कितना खुश हो कि तुम यहाँ आई हो। हाय, लुकिंग गुड। अच्छी लग रही हो। या एक्जेक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड। आओ तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलाता हूँ। मिस्टर अयंगर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत खास सिलेक्टर हैं। हेलो। और ये है मिस्टर करियप्पम, एक बहुत बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट। हाय, नाइस टू मीट यू। और इनसे मिलो, योगेश शर्मा। होप यू नो मी। क्या गजब की स्पिन बॉलिंग करते हैं। बाय गाइस, सी यू, बाय, कम फॉर अस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबसे मिलवाता हूँ तुम्हें। नहीं है मेरे पास। इनसे मिलिए, मिस्टर मनोहर कनंगो, ये है बहुत बड़े बिजनेसमैन और इस क्रिकेट लीग के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर। एस वसंत, हाय, इंडिया के फास्ट बॉलर। प्लेजर टू मीट यू। और ये राघव चड्डा, मेरे बहुत खास दोस्त और मेरे 24 आवर हेल्पलाइन भी। गाइस, आई वांट यू टू मीट पारोमा घोष, इस साल की सबसे सुंदर कैलेंडर गर्ल। ओह रियली, बी नाइस टू हर। इन्हें कौन नहीं जानता। और ये है अखिल सूद, इंडियन बैटिंग लाइनअप की रन मशीन। ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। Thank you. How have you been? I'm good. How are you doing? Good. It's so good to see you. Thank you. Excuse me, guys. चलो परमा, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ. Come. तो अन्य फ्लिप पे always defense works. सच में पिनाकी, दुर्गा पूजा में तुमने खुद को बहुत underplay किया था. अब पता चल रहा है. तुम्हें कोई celebrity से कम नहीं हो. सब बड़े बड़े लोगों को जानते हो। Come on. No, seriously. I'm so proud of you. Feelings mutual. I'm also very proud of you. नहीं नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो छोड़ो, अब बताओ क्या प्लान है। प्लान? 3 glass वाइन पी के क्या प्लान, बस घर जाके सोना है। इतनी जल्दी? इट्स 3 o'clock। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुम्हें जाने दूंगा? पता नहीं, एक बार तो तुम खुद ही जा चुके हो। Hey,
Look at me. तब मैं मजबूर था. अब सब सेट है. अब ना खुद जाऊंगा ना ही तुम्हें छोड़ूंगा. कहां ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जो बारिशे है गलती दिल की आप है वक्त की ये साजिशे. कहां ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जो बारिशे है गलती दिल की आप है वक्त की ये साजिशे. देखो नंदिता, हर्ष जैसा लड़का और नारंग जैसी फैमिली हर लड़की चाहती है, एंड दैट इंक्लूड्स मी टू. लेकिन अक्का आप जानते हो ना हर्ष ने क्या कंडीशन रखी है. जानती हूं मैं, लेकिन नंदिता एक्चुअली कोई कंडीशन है ही नहीं. मतलब ये कि तुम्हारा अभी अभी नया कैलेंडर आया है, राइट? राइट. इसलिए तुम्हारे पास इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं. नेक्स्ट ईयर जब दूसरा कैलेंडर आएगा तो ऑफर्स कम हो जाएंगे और फिर शायद धीरे धीरे ये सब कुछ बंद हो जाएगा. ओके, लुक एट इट दिस वे. तुम जिन कंपनीज की मॉडल हो, इस तरह की कई कंपनीज का हर्ष नारंग ओनर है. डिड यू गेट द डिफरेंस? अक्का, बट अक्का देखो नंदिता, एक अच्छी और कंफर्टेबल जिंदगी ऑफर कर रहा है तुम्हें हर्ष नारंग. इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? सो नंदिता, वी फाइनली गेट टू मीट यू. हाँ, हर्ष ने तुम्हारी जितनी भी तारीफ कर रखी थी, यू आर फार मोर ब्यूटिफुल देन दैट. Thank you. Really, you're a very pretty girl. Thank you so much. So, Nandita, Harsh has been telling me that you're a calendar girl. Yeah. That must have been very exciting. Yes, sir. Actually, बहुत मजा आया. And trust me, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी थी. I can imagine. Tell me something. How has life changed? पहले मॉम एंड डैड के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोटो हो जाता था और आजकल होर्डिंग्स और टीवी पे दिख जाती हूँ कभी कभी. I've heard good things about your mom and dad. Yeah. And your sister too. And actually, इसकी वजह से मेरे ऊपर भी काफी प्रेशर था. Yeah. कुछ कर दिखाने का. And thank God, then calendar girl happened. हर्ष, बेटा, तुमने नंदिता से बात कर ली है ना? हाँ मॉम, मैंने बता. आंटी जी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मॉडलिंग छोड़ रही हूँ. That's nice. Wow, that's great news. And Nandita, no more auntie ji. You can call me mom now. Yeah, I like this. All right, Nandita, welcome to the Narang family. Cheers. 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 Good to see you. Good to see you too. Oh my God, this is so lovely. Thank you so much. You're welcome. Come. Wow, lovely house. Thank you. So what, yeah? Hey okay. Everybody, meet calendar girl Sharon. Hi. My gorgeous friend. Sharon, this is Neha. Hi, nice to meet you. Same here. And this is Rehan. Hi. Hi. मैं आपको जानता हूँ. Really? Actually, मेरा दोस्त राघव, वो टैलेंट हब वाले अनिरुद्ध श्रॉफ, उसका अच्छा दोस्त है. And if I'm not mistaken, Anirudh ki company tumhara kaam dekhti hai, right? That's right. Dekha, maine kaha na ki main aapko janta hoon. Aur haan, ek aur baat. Tum recently South Africa bhi gayi thi. Ek event ke liye. You're very well informed. Yep. Okay, Rehan,
प्लीज इसको पकाओ मत. शारन पहली बार मेरे घर आई है. कम शारन, लेट्स गो. सी यू गाइस. व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट? दिस इज ऑर्डर. हाय, प्लीज टू मीट यू. हाय. हाय. एंड दैट्स आस्मा. नाइस टू सी यू. So what do you think? I think it's a great plan. I'll get back to you. That's nice. Oh, of course. But should I try? Oh, that's such a beautiful ring. Oh, thank you so much. Where did you get it from? Oh, we got it at the Sunday flea market. So, how was South Africa? Good. Had fun? Lots. वैसे क्या-क्या हुआ साउथ अफ्रीका में ना? सब इनफॉरमेशन है मेरे पास. Really? क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? छोड़ना अभी क्या? लगता है तुम्हें कहानी बनाने का काफी शौक है, या फिर झूठ बोलने का, और maybe you're just a little drunk. Babes, ना ही मैं कहानियां बनाता हूँ और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ. And for your kind information, I don't drink orange juice. वैसे अनिरुद्ध इज अ फन गाय, राइट? मैरियट में भी ठहरे थे तुम दोनों. रूम नंबर भी बता सकता हूं मैं. लाइक यू सेड, आई एम वेल इन्फॉर्म्ड. चीयर्स. इस दिन क्या मजा आया इस सुबह. अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के मेरी शारन पे लाइन मार रहा. So, Rehan, can you please elaborate कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? Suchi, समझा तेरे दोस्त को. Sharon, guys, I really want to know. ठीक है. What's going on? Rehan, हेलो. हे राघव, व्हाट्स अप? अरे रेहान, कैसा है यार? कैसे याद कर लिया साले सैटरडे नाइट को? बस यार, एक दोस्त के घर पे हूँ. कुछ गपशप चल रहे थे तो बातों बातों में तेरे उस दोस्त अनिरुद्ध की बात निकल आई. कौन सी बात हो? अरे वही वाली बात जो तूने बताई थी, वो कैलेंडर गर्ल वाली, वो साउथ अफ्रीका वाला सीन. अबे सीन नहीं, पूरी फिल्म थी साले, पूरी फिल्म. और क्या कोइंसिडेंस है, वो ब्लडी लकी अनिरुद्ध मेरे सामने ही बैठा हुआ है. ले उससे ही सुन ले. फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. Rehan. Hey bro, how's it going? All well buddy, तू बता. वैसे तू आजकल साउथ अफ्रीका में बड़े मजे ले रहा है? यार अब किस्मत ही कुछ ऐसी है तो क्या करे यार. तो वो कैसी थी? कौन? वो शारन पिंटो. कमाल की बंदी है बॉस. Dude, she was all over me. होटल रूम में तो दोनों ने कुछ छोड़ा ही नहीं. क्या बाथरूम, क्या बैल्कनी. इतनी फ्लेक्सिबल लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी है बॉस. Awesome buddy, awesome. चल anyways, I'll catch you next week, right? Yep. We'll meet up. See you buddy. Bye. See ya. Rehan, क्या जरूरत थी? Sharon, Sharon, रुको यार. Rehan, Sharon, wait. Sharon. काम करो, इसका एक पीपीटी बनाओ. और मुझे नहीं, ठीक है. यू नीड हिज आउटलाइन आल्सो. या हे शारन, हाउ इज इट गोइंग स्वीट? अभी तक तो सिर्फ रूमर्स फैला रहा था. दैट आई स्लेप्ट विद यू. अब जा, जाके सबको सच बता दे कि उसी शारन ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद तेरे ही ऑफिस में तेरे ही स्टाफ के सामने तुझे खींच कर छापड़ मारा. तू जैसे सीज बॉस के साथ मैं काम नहीं करती. तू आया था मेरे पास, मैं नहीं. यू आर फायर्ड. Sharon, you're gorgeous, you're beautiful. You are a successful calendar girl. और मेरा बस चले तो मेरे हर second ad में तुम्हें cast करूँ. Thank you. लेकिन एक problem है. अनिरुद्ध श्रॉफ. उसकी company हमारे लिए casting करती है. मैं खुद भी उसे कई सालों से जानता हूँ. और मैं ये भी जानता हूँ कि he can be a bit of a loud mouth. You know what I mean? But who can argue with success? तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच में जो कुछ हुआ उसे सारी इंडस्ट्री जानती है.
और ये जानने के बावजूद मैं तुम्हें कास्ट करूं, उसको बुरा लगेगा। मैं कितना भी बड़ा, कितना भी सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर क्यों ना हूं, फिर भी मैं अनिरुद्ध से पंगा नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी सर, प्रेजेंटेशन इज रेडी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। या, आई एम सॉरी। मयूरी जी मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा वैसे तिवारी जी, आई थिंक कि हमें वो बिल्डर मखीजा के बेटे वाली फिल्म ना कर लेनी चाहिए। वाह वाह मयूरी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन ये देखने में लड़का ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, एकदम हैंडसम है, आगे के चार बाल खड़े हैं और बॉडी भी बना ली है लड़के ने। लेकिन तिवारी जी, अभी के लिए तो ये बिल्डर वाली फिल्म ठीक है, लेकिन जब तक हीरो का सरनेम ना खान, कपूर या फिर कुमार ना हो ना, तो मजा नहीं आता फिल्म करने में। बड़ी फिल्म भी दिलवा दूंगा मयूरी जी, बस थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। लेकिन तिवारी जी, कहीं ये फिल्म करने से मेरे करियर को नुकसान तो नहीं होगा ना? आई मीन इमेज भी कोई चीज होती है, एंड एक बार उस ब्रैकेट में चली गई ना तिवारी जी, तो पूरी जिंदगी मेरी ये पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के बेटों के साथ फिल्म करते करते ही खत्म हो जाएगी। मयूरी जी, आप सोचती बहुत है। आज एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, फिल्में तो कई साइन होती है, शूटिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बीच कहीं खान या कपूर वाली फिल्म मिल जाए तो ये मखीजा टाइप्स फिल्मों को लटकाकर ये नए फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते हैं। हम भी दूसरे स्टार्स जैसा ही करेंगे। आपको फिल्म इंडस्ट्री की वो कहावत मालूम है ना? कौन सी? फिल्में तो कई बनती है, लेकिन फिल्म असल में वो होती है जो रिलीज होती है। तिवारी जी, यू आर अ रॉक स्टार। थैंक यू मयूरी जी, थैंक यू थैंक यू। लेकिन तिवारी जी, कल की शूटिंग का क्या प्लान है? नहीं, कल शूटिंग नहीं है मैडम, कल हमें एक शोक सभा में जाना है। क्या, किसकी एक्सपायरी डेट आ गई? एक छोटे से बिजनेस फैमिली में डेथ हुई है, हमें वहाँ जाके अफसोस जताना है। अच्छे पैसे मिलेंगे, 2 लाख की डील हुई है। तिवारी जी, मैंने ना रिबन कटिंग और शादियों का तो सुना था, पर ये इंडस्ट्री कब से चालू हो गई? नाचिस ने इंडस्ट्री शुरू की है। लेकिन तिवारी जी, मुझे वहाँ करना क्या होगा? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ओम जो हो शांति अंतरिक्ष गुम, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति औषधय, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुम, शांति सामा, शांति रेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अर्यं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, भयं नः पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितु दुर्दानि पराशुभ इन्वदन्तन्न आशुभ। बेटा, अंकल का सुन के बहुत बुरा लगा। नमस्ते, नमस्ते। मैम, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? ओके। पूरे 2 है ना? नहीं। क्या मतलब? 2 तो सिर्फ हाजिरी के थे मैडम, लाइन में खड़े रह के नमस्कार करके फोटो खिंचवाने का मैंने और एक ले लिया है उनसे, तो अब हो गए पूरे 3 लाख। तिवारी जी, आप ना बहुत आगे जाओगे। सिर्फ मैं नहीं मैडम, हम दोनों बहुत आगे जाएंगे। देखिए, एक दिन मैं आपको शोक सभा से लोकसभा तक पहुँचाऊंगा। तिवारी जी, मैडम जी, you're absolutely safe here, trust me. तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सुना था, देखा भी।
You've had a really tough time, haven't you? इसीलिए सोचा तुमसे मिल लूँ. I'd like to help. I'll come straight to the point. हमारी कंपनी के लिए मुझे हमेशा प्रोफेशनल्स की तलाश रहती है. The job profile is very simple. Very simple. Basically, you just have to entertain our very few VIP clients. हमारे पैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं. We have models, TV stars, film actresses. Obviously, मैं नाम नहीं ले सकती. Because secrecy is a very important part of our work ethics. क्योंकि हमारे clients top of the line politicians, industrialists or diplomats हैं. करना कुछ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. आप लेट नाइट फ्लाइट लेंगी. एयरपोर्ट पर प्राइवेट गाड़ी आपको पिकअप करेगी. फाइव स्टार होटल या फार्म हाउस पर ले जाएगी. अगली सुबह पहली फ्लाइट से आप वापस अपने घर पहुंच जाएंगी. एंड ऑल दिस इज डन विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंशियलिटी. आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि आप रात को अपने घर में नहीं थी. जॉब तुम्हें बता दिया है ना. आई टेल यू अबाउट द मनी. यू अर्न अ मिनिमम ऑफ 20 लैक्स एवरी मंथ. यानी कि आप हमें एस्कॉर्ट गर्ल बनाना चाहती है? नाम में क्या है, जो जरूरी है वो काम होता है. बोल चड्डा. One minute. I'll be back. हाँ बोल. Are you crazy? No, चड्डा. चड्डा, you freaking jealous? You tell that bugger to stay away from her. Tell him right now. You Akhil Sood. Pinaki? Hmm. What's wrong with you? कुछ नहीं. क्या हुआ? कुछ नहीं, चटा का फोन आया था, उससे झगड़ा हो गया. क्या? क्यों? क्योंकि वो उस ब्लडी अखिल सूद का काम संभालता है और अखिल कह रहा था कि forget it. कुछ कहा उसने तुम्हें? पारुमा, that bugger really likes you. What? जब से तुम्हें देखा है तब से पागल हो गया है. He's gone mad. पर उसे पता नहीं. We are a couple. किसी को नहीं पता पारुमा. Nobody. अखिल क्या किसी को नहीं पता. तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि पारुमा, it's not part of my plan. पारुमा. कैसा प्लान? What are you saying? इस देश को छोड़कर US में जाकर सेटल होने का प्लान. What? दो हफ्ते में क्रिकेट लीग शुरू होने वाला है और मेरा सिर्फ एक प्लान है, पैसा बनाना. इसलिए मैंने उस चड्ढा से दोस्ती की और चड्ढा के थ्रू उस ब्लडी अखिल से. क्रिकेट लीग, पैसा? क्रिकेट लीग इस देश का सबसे बड़ा गैम्बलिंग अड्डा है. दो महीने में इतने मैचेस होते हैं यहाँ पे, लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी बेटिंग होती है यहाँ पे कि तुम मुंबई में क्या न्यूयॉर्क में 10 घर खरीद सकती हो. और इस बार मैं कम से कम 100 करोड़ बनाना चाहता हूं. इसलिए मैंने अखिल से दोस्ती की. उससे मिलके स्पॉट फिक्सिंग करूंगा क्योंकि उसके पास 3 और ऐसे प्लेयर्स हैं जो उसकी हर बात सुनते हैं. इट्स फॉर आवर फ्यूचर. दैट्स व्हाई ही इज सो इंपॉर्टेंट टू माय प्लान्स. टू आवर फ्यूचर बेबी. आर यू विद मी पारुमा?
Think, Paruma, think big. I don't know what to say to you. But I know that I can do anything for you. And you know, I love you. Come here. Come here. I love you, Pinaki. I love you too. Sab kuch theek ho jayega. क्या हम पूछ सकते हैं हम किससे मिलने जा रहे हैं पावर ब्रोकर ये एक ऐसी कौम है जिसकी जरूरत इस देश के सबसे पावरफुल लोगों को भी पड़ती है कई ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ ये लोग कर पाते हैं ये दिखाई कम देते हैं करते बहुत कुछ है आज के बाद मुंबई क्या पूरे इंडिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कौन आप बैठिए नाजनीन ये सारे मेरी बीवी के कपड़े हैं नहीं नहीं जिंदा है वो अभी अरे बहुत प्यार करता हूं मैं उससे मोटी हो गई है वो इसके अंदर जाती नहीं ये सारे के सारे ब्रांडेड कपड़े सारे के सारे ये ये, ये देखो ये ब्रूबरी है ये लुईस विंटन है और ये ये ये, ये जिमी चू है जिमी चू जिमी चू सॉरी ये सब है ना तुम अच्छी लगोगी बहुत अच्छी लगोगी Sharon, don't get me wrong, but I think you overreacted. और तुम्हारी ये glamour industry relationships पे तो खड़ी है यार. सुचिता, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया. और जो अनिरुद्ध को करना था, वो उसने कर दिया. I don't regret any of this. और वैसे भी, I was feeling very suffocated. ये rat race मेरी बस की बात नहीं है. मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ और ही लिखा है एंड सून ऑर लेटर आई फाइंड इट हेलो हाय शारन हाउ आर यू हाय नंदिता ब्रेकिंग न्यूज आई एम गेटिंग मैरिड व्हाट हाउ ये सब कब हुआ बस यार ये हो गया सब बताती हूँ बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट 24th को शादी है एंड यू हैव टू बी देयर ऑफ कोर्स आई विल बी देयर प्राइवेट जेट भेज रही हूँ तुम सबके लिए Private jet? Yeah. Wow. And मैंने बाकी सब friends को भी inform कर दिया है. तुम सब साथ में ही आना, okay? Sure, babe. Congratulations. I'll see you.
बहुत हो गई। Come on, girls. तू क्या कर देता crazy? ठुमके मैं आती तेजी, हाँ ठुमका कर देता crazy, ठुमके मैं आती तेजी, देसी हो जाता कभी, कभी होता अंग बेजी, डीजे वाला बीट बजा के, डीजे वाला बीट बजा के करता इनवाइट, let's do the ठुमका, let's do the ठुमका on the शादी वाली night, let's do the ठुमका on the शादी वाली night, let's do the ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the thunga on the shadi wali night. Gorgeous adao pe aashiq mare hai, mujhe dekh ke sab hue sar phire hai. Let's do the thumka on the shadi wali night. Let's do the thumka on the shadi wali night. Thumka kar deta crazy, thumke mein aati tezi. Thumka kar deta crazy, thumke mein aati tezi. Desi ho jata kabhi, kabhi hota ang bezi. DJ wala beat baja ke, DJ wala beat baja ke karta invite. Hi. I think I know you. मैं भी आपको जानती हूँ. India's most watched journalist का prime time show. मैं भी देखती हूँ. Pleasure to bump into you, Shashank Datta. I'm Sharon Pinto, by the way. Calendar girl. Yes, Sharon. Right. So, कोई interesting book मिली? Unfortunately, ना कोई interesting book मिली और ना कोई interesting काम. क्यों? मॉडलिंग से बोर हो गई आप? टोटली. वैसे आई डोंट नो इफ दिस हेल्प्स, पर हमारा नेटवर्क एक नया एंटरटेनमेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहा है. एंड वी लुकिंग फॉर फ्रेश एंकर्स. व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट? हियर इज माय कार्ड, जस्ट गिव मी कॉल एंड ड्रॉप इन. यू नेवर नो. सी या. बाय. Your dress. Ye? Yes, ma'am. Whatever. Welcome aboard, sir. What can I offer you? बहुत कुछ. कैसा लगा मेरा प्लेन? It's beautiful. Mickey. आपने मुझसे पूछ तो लिया होता ना बिफोर राइटिंग सच काइंड ऑफ अ स्टोरी. आपने अपने हिसाब से छाप लिया सोर्सेस सोर्सेस करके. रेडी कौन है ये सोर्सेस? क्या हुआ अरुण जी? अरे तिवारी जी, मैं अपने गुरु डायरेक्टर अरिंदम बसु को बर्थडे विश करना क्या भूल गया?
मीडिया ने तो इसे फ्रंट पेज न्यूज बना लिया। तिवारी जी उन्होंने लिखा है कि मेरा उनका झगड़ा चल रहा है। कमाल है यार। आई डोंट बिलीव दिस। यार मुझे अपनी बीवी का बर्थडे याद नहीं रहता, किसी और का बर्थडे कैसे याद रहेगा? मुझे सब याद रहता है अरुण जी। वो कैसे? देख रहे हो? मयूरी जी, आप उनको ट्विटर पे फॉलो कीजिए। ओके। रात को ठीक 12 बजे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिकेटर, सोशल एक्टिविस्ट सबको विश कर देती है, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी रेज छोड़ती है। What are you saying? उनका भी विशिंग शुरू हो जाता है। हाल ही में तेलंगाना स्टेट बना ना, उसको भी रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोल दिया। Are you serious? तिवारी जी ये लड़की ना बड़ी खतरनाक है। मैं अभी इसको फॉलो करता हूँ। तिवारी जी बिलीव मी, ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। करेक्ट। मक्खी जाएगी। ओके एक मिनट। हेलो मयूरी जी, मघई जोड़ी आ चुकी है। मघाई? व्हाट्स मघाई? मघई पान मयूरी जी, जो जोड़े में आता है जोड़े में खाया जाता है। बिल्डर मखीजा और उनका बेटा बबलू मखीजा स्टूडियो में आ चुके हैं। क्या आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया तिवारी जी? 1.5 करोड़ मयूरी जी, फ्लैट लेना है ना? ठीक है, आप उनको कोने में बिठाइए, मैं आती हूँ। कोने में? तिवारी जी 1.5 करोड़ दे रहे हैं, कोई 150 नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिठाता हूँ कोने में। कोने में? अरे मयूरी जी, अभी आपका अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर देखा? अरे दादा सुपर डुपर हिट है। और आपका कैलेंडर मैंने अपने बेडरूम में भी लगा रखा है। बोलो। ओह माय गॉड, ओह यू सो स्वीट। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मयूरी जी, मैं तो आपको बता नहीं सकता कि मेरे फैमिली वाले कितना खुश है जब से उनको ये पता चला है कि अपना बबलू आपके साथ फिल्म में हीरो है। हा? और हमको तो पता ही नहीं था कि अपने गढ़ में इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। अरे हमारे सारे रिलेटिव US और लंदन से आ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ मिनिस्टरों को भी बुला लिया है दिल्ली से। अरे मुरत शॉट के लिए। हा? अरे अपने बबलू की फिल्म है, सो नो कॉम्प्रोमाइज। एक मिनट। हाँ ये मयूरी जी, ये आपके लिए 51 लाख का साइनिंग अमाउंट का चेक, देख लो। मखीजा जी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये लीजिए। अरे लेटेस्ट आईपैड है बाबा। ओ मखीजा जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप भी कमाल करती है मयूरी मैडम। हैं? अरे आपको पहली बार मिलने आया तो क्या मैं खाली आता था? तो क्या दूसरी बार आप खा लिया जाओगे? नहीं, मेरा मतलब वो ये जस्ट किडिंग मखीजा जी, जस्ट किडिंग। अरे मजाक कर लेती, छोड़िए। एक्सक्यूज मी मैम, योर शॉट इज रेडी। ओह वन सेकंड, शॉट शॉट। मखीजा जी अब मुझे जाना होगा, वो क्या है मेरा शॉट रेडी है। जी जी। एंड यू नो आई एम वेरी पंक्चुअल, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सेट पे किसी को नुकसान हो जाए। जी जी जी। इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ओके मखीजा जी। बबलू टेक केयर। ओके ओके चाओ। चाय पी के जाना। कैसी लगी? अरे बिल्कुल डाउन टू अर्थ है ना आपकी 1.5 करोड़ की हीरोइन। बबलू की तो लाइफ बन गई। दादा सुठो साईं, दादा सुठो। हे हाय, नर्वस? नो। अंदर किस किस से बात करनी है याद है ना? या पुनाशितो? या आई लव यू। आई लव यू टू। गुड। ठीक है ना, वही तो होना अभी। देख रहा से बात करना से बात एक ग्लास वाटर। ठीक है। एक्सक्यूज मी। या हेलो। हाय व्हाट्स अप यो।
That's what. Cheers, guys. Come on, guys. We will have a Cheers. Party with it. मैच में 10 से ज्यादा रन होने नहीं चाहिए। बस इतना ही? तुम कहो तो जान दे दो जानेमन, ये विकेट क्या चीज है? और तुम्हारे बाद में तुम्हारे जो 3 दोस्त खेलने उतरेंगे उनसे भी कह देना टीम टोटल 120 से ज्यादा होने नहीं चाहिए। तुमको तो सबको पे भेज दूं, फिर नीचे बस तुम और मैं। ऐसी जगह है जहां ऊपर से तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कैमरा के आगे वाली लाइफ और कैमरा के पीछे वाली जिंदगी में बहुत फर्क है। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार को उनकी पहली फिल्म मिलने से पहले किसने सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित किया था? कौन था वो डायरेक्टर जिसने उन्हें ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि कहा कि घर वापस चले जाओ? ठीक 2 साल बाद वही डायरेक्टर उसी एक्टर के घर पहुंचे उन्हें साइन करने के लिए। अगले हफ्ते हम आपके लिए फिर लेके आएंगे फिल्म इंडस्ट्री की कुछ और इनसाइड स्टोरीज। दिस इज शारन पिंटो एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो सितारों की बात। वाज इट ओके? या थैंक्स। हाय शशांक। हाय शारन, मैं तुम्हें देख रहा था। ओ रियली? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग शारन, मुझे पता नहीं था कि एक मॉडल भी इतनी अच्छी एंकर बन सकती है। ऑनेस्टली शशांक, मुझे भी पता नहीं था। But that's the beauty of life. वो कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो एक नया खुल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। By the way, गीता में भी यही लिखा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, just relax and go with the flow. Last की लाइन वैसे मैंने लिखी है। That's really impressive. So I'll catch you later then. Yeah, sure. Thank you. एक सेकंड सर, मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकती हूँ? कम क्लिक अ सेल्फी नाउ, गो एंड स्पीड अप। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई क्लिक अ सेल्फी विद यू प्लीज? ये क्या है सर? सर शूट का लास्ट दिन है, ट्विटर के लिए एक फोटो तो चाहिए ही ना। स्माइल, शी इज ग्रेट वर्क मयूरी, आई लाइक योर वर्क वेरी मच, पिक्चर पक्का हिट है। द क्रेडिट गोज टू यू सर। अच्छा, मैंने सुना है कि तुमने एक और फिल्म साइन की किसी न्यूकमर के साथ। हाँ सर, वो मखीजा बिल्डर्स का बेटा है ना, बबलू मखीजा, उसके साथ में। अच्छा। रोल और रोकड़ा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रोकड़ा? आई मीन रकम, इट्स वेरी गुड मनी। और उसके बाद कौन सी फिल्म? उसके बाद आपकी फिल्म। यू आर वेरी स्मार्ट मयूरी, बहुत आगे जाओगी तुम। आई नो सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आइए 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 मैडम। क्या हो गया तिवारी जी? अरे ब्रेकिंग न्यूज है मैडम, ब्रेकिंग न्यूज। आप जानते हैं बगल वाले सेट पे कौन शूट कर रहा है? कौन?
सच्ची? अरे सच्ची तिवारी जी। अरे भाई, ना मैं 3G स्कैम पे बना रहा हूँ, ना मैं क्रिकेट स्कैम पे बना रहा हूँ, और ना किसी स्टार के डाइवोर्स पे। वैसे कुछ होगा तो बताऊंगा आपको। ओह माय गॉड, मधुर भंडारकर सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मयूरी, मयूरी चौहान। आई वाज अ कैलेंडर गर्ल। एंड सर, मैं एक्चुअली बाजू वाले सेट पे शूट कर रही थी, बिकॉज़ यू नो मैंने अभी एक फिल्म भी फिनिश की है, और मेरे को पता चला आप यहाँ पे हैं सर, तो मैं भाग के आ गई। सॉरी सॉरी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। दैट्स ऑल राइट सर, कैन आई प्लीज स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स? या कम। सो मुंबई से हो? नो सर, आई एम फ्रॉम रोहतक। एक्सक्यूज मी सर, सर शॉर्ट में थोड़ा और टाइम लगेगा। क्यों, क्या हुआ? सर वो कावे जी के मेकअप का प्रॉब्लम हो रहा है। यार हीरो के नखरे नहीं झेलने पड़े, इसलिए मैं हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बनाता हूँ। अब हीरोइन के नखरे भी झेलने पड़ेंगे मुझे। देखो मुझे 6 बजे निकलना है अवार्ड फंक्शन में। लेकिन सर आप कल भी तो गए थे अवार्ड देने। हाँ गया था, जिन जिनको अवार्ड कल नहीं मिला उनको आज दे रहा हूँ। डियर यू हैव प्रॉब्लम, काव्या को बोलो स्पीड अप करने के लिए, जल्दी जाओ। हाँ बोलो सर। मैंने ना आपकी सारी फिल्म देखी है सर, एंड आपकी फिल्म की बेस्ट चीज पता है क्या है सर? वो रियलिस्टिक भी होती है, पर सर साथ में खुलासा भी होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है सर। थैंक्स। और सर आपके और मेरे बीच में ना एक चीज कॉमन है। क्या? सर आप ही की तरह मैंने भी अपनी जिंदगी जिद पे बनाई है, उम्मीद पे नहीं। सर द ब्लॉक इज रेडी, प्लीज चेक द फ्रेम। या आई विल कम। नाइस मयूरी, लवली मीटिंग यू। सर प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक्स। सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्लीज टेक अ सेल्फी विद यू ट्विटर के लिए? या ओके। Thank you, sir. Thank you so much. Thanks. Tiwari ji. Ji. तो आज नहीं बोलोगे कि मैं बहुत आगे जाऊंगी? मयूरी जी, आज तो आप बहुत आगे निकल गई है मयूरी जी। चले? चले। What a lovely party. Is it? Isn't that Mr. Tarun's fiance? That's really good. Yeah. That's right. I love the food. I'll be right back. Huh? Okay. Decoration. Sure. Everything. Thank you. All your parties are amazing. Neha, super party. Thank you. Just excuse me. Yes. Hello. How are you? Perfect, darling. पिछली बार तुमसे यहाँ जोधपुर में मिली तो तुम कैलेंडर गर्ल थी। दोबारा मिल रही हूँ तो मिसेस नंदिता हर्ष नारंग। Wow, now that's what I call success. Yeah. But don't forget, I played Cupid. Yeah, yeah. इस क्यूपिड को यहाँ मिसेस अग्रवाल की कार्ड पार्टी में आने का टाइम है, हमारी शादी में आने का टाइम नहीं मिला। I'm so sorry, I was in the Caribbean. Oh. वैसे हर्ष कहाँ है? There. I should increase the stay. What do you think? Why not? हर्ष तो मजे ले रहा है। But I don't blame him. After all, he's traveling so much now. On his business meetings. Yeah. I hope तुम जाती हो उसके साथ कभी-कभी? To keep him company. Trust me, darling. I'm a wife. It's always a good idea to keep an eye on the husbands. Especially when your husband is Mr. Popular. Hey, Dana. Excuse me. See ya. And you won. Oh my God. All yours. Thank you. Yay. पार्टी में क्राउड अच्छा था ना? या सुपर। ब्लडी हुआ दी स्टूपिड पीपल सेंडिंग मी कैंडी क्रश रिक्वेस्ट यार, ब्लडी इडियट्स। तुम मुंबई जा रहे हो? कब? कल सुबह। मैं भी आना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया कुछ फ्रेंड्स से मिले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे? Not at all. आ जाओ।
हाय नाज़नीन। हर्ष, आई थिंक हम गलत कमरे में आ गए हैं। वो एक एड की मीटिंग के लिए मैं आना था, बट आई एम सो सॉरी, वो हमें। चिल नाज़नीन, अनन्या रायचंद नहीं तुम्हें भेजा है ना? पहली बार मैंने तुम्हें ब्लू बिकिनी में देखा था। यू आर द हॉटेस्ट ऑन द कैलेंडर। मेरी शादी में भी तुम सबसे सेक्सी लग रही थी, मेरी बीवी से भी ज्यादा। नास, हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, हर्ष के बारे में। नास, हर्ष इज चीटिंग ऑन मी। मैंने देखे हैं उसके कॉल के डिटेल्स, एंड आई एम श्योर ही स्लीपिंग अराउंड। You know he's involved with those kind of girls. वो होती है ना जो दिन में तो सती सावित्री बनके घूमती है और रात को what do you call them? Escorts. Nas, how can you sleep with different guy every night just for money? It's so disgusting. ये लड़की अपने आप को face कैसे करती है यार? Third grade girls, bloody characterless. Hello, girls. Huh? Hi, baby. Nazneen, you know her, right? Of course, she was at a wedding. Yeah. Hi, Nazneen. How are you doing? Fine. All well. Yeah. Sit. क्या चल रहा है? Nothing, just catching up. Oh, nice. Nandita, I just forgot. हमें अभी-अभी याद आया कि हमें एक urgent meeting के लिए जाना है. What? Yeah. Nas, come on. अभी तो आए. अचानक क्या हुआ? Are you okay? Yeah, I'm fine. क्या बात है नाज़नीन? All good? No, thank you. Are you okay, Nas? Yeah, I'm fine. नाज़नीन, रुक जाओ, खाना खा के जाओ। I'm so sorry. At least कॉफी तो फिनिश करो। Yeah, but I'm really getting late. Okay. अरे नाज़, मेरी बात तो सुनो। नाज़नीन, रुको नाज़, bye. Come on, नाज़, what happened? नाज़। Strange girl. I don't know what. Are you okay, babes? Are you all right? Till then, it's me, Sharon Pinto, signing off from Sitaro Ki Baat. Take care, work hard, and party harder. Ciao. Okay. Hey, Sharon, Shashank tumhe bula raha hai. Okay. Cam to ki feed dikhao. I have a doubt. सुनता ही नहीं है यार। ये शारन, शशांक इज लुकिंग फॉर यू। ओके। या सो व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम? मैडम, आपको शशांक साहब ढूंढ रहे हैं। हाँ। शशांक, यू वर लुकिंग फॉर मी? सिट। मिस शारन पिंटो, दिस इज नॉट डन।
I'm sorry, लेकिन हुआ क्या? तुम बताओ. I should know. Seriously, शशांक, मुझे नहीं पता. Five point two. Just imagine, 5.2. Highest TRPs record हुई है तुम्हारे शो की. Your show is a blockbuster, Sharon. God, you killed me. Hang on. There's more good news. इस शो के बाकी दो एपिसोड्स हो जाने के बाद तुम्हें दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा है. What? Yes, you're being promoted. तुम्हारे टैलेंट को देखकर हमारे टॉप बॉसेस चाहते हैं कि तुम एंटरटेनमेंट छोड़कर मेनस्ट्रीम न्यूज़ ज्वाइन कर लो. They think you're meant for more serious stuff. Serious journalism. Wow. Excited? Super excited. Me too. I'm so happy for you, Sharon. Thank you so much, Shashank. बिना किसी एक्सपीरियंस के आई थी यहाँ. तुम्हारे सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये सब. Well, किसी इंटेलिजेंट इंसान ने सही कहा है. जो हो रहा है उसे होने दो. Just relax and go with the flow. Time for celebration. Hey guys. What? Where's the cake? Oh my God. मैंने तुम्हारी नई पिक्चर का गाना और ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा. आपने मेरी पिक्चर का ट्रेलर देखा? Oh my God. मयूरी, तुमने मेरी हीरोइन काव्या खन्ना की सर्जरी के बारे में तो सुना होगा. सर, मैंने ही नहीं, सबने सुना है. जब से करवा के आई है एक ही एक्सप्रेशन मिल रहा है, हैप्पी हो, सैड हो, समझ में नहीं आता क्या सीन चल रहा है. सर, डोंट माइंड, पर पिछले चार दिनों से ट्विटर पे सिर्फ काव्या का चेहरा ट्रेंड हो रहा है. एंड सर, आफ्टर आलोकनाथ जी, काव्या पे ही सबसे ज्यादा जोक्स बनाए जा रहे हैं. आई नो मयूरी, काव्या खन्ना को रिप्लेस करेगी मेरी फिल्म में. सेकंड लीड है, पैरेलल. ओह माय गॉड सर, इट विल बी एन ऑनर सर. लेकिन मयूरी, मैंने सुना है कि तुमने कोई झंडू बिल्डर के बेटे की पिक्चर भी साइन की है, कुछ शूटिंग हुई है उसकी. मेरी फिल्म तो पहले आनी चाहिए ना. सर, वो एक्चुअली मुझे ना ओबेरॉय स्प्रिंग्स में एक फ्लैट लेना था, इसलिए मैंने वो पिक्चर साइन की थी. अच्छा सर, आप मेरे सीनियर हो, बट फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ. सर, ये सच है कि मैंने वो फिल्म साइन की है, और ये भी सच है कि थोड़ी बहुत शूटिंग भी हो गई है. पर सर, सबसे बड़ा सच ये है कि असली फिल्म वही होती है जो रिलीज होती है. वाह, है ना सर, है ना? फिल्म वही होती है जो रिलीज होती है. जलवा मयूरी, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी फिल्म एरोसिस तुम कर रही हो. ओह माय गॉड. एंड ट्रस्ट मी, तुम बहुत आगे जाओगी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी लाइफ बना दी. हाँ नंदिता, बोलो. हर्ष, तुम आज आने वाले थे? जानता हूँ नंदिता, पर आज नहीं हो पाएगा. I'm sorry. कहाँ हो? Of course, अपने रूम में हूँ, और कहाँ? और ये पीछे आवाजें किसकी आ रही हैं? यार, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बैठा हूँ. बात करना चाहोगी? नहीं, रहने दो. Okay then, I'll talk to you later. हर्ष, थैंक यू मिस्टर भाटिया. ओके, सुपर. अगले हफ्ते मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देता हूँ. ओके, सी यू सर, सी यू मैम, थैंक यू. थैंक यू, लेट्स गो. हाँ, कैनरी आइलैंड्स इन स्पेन, साउंड्स एक्सोटिक. वंडरफुल. 30th वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी. आई एग्री. मिसेस नारंग, वी आर गोना रॉक अगेन. एब्सोल्युटली. नंदिता बेटा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं. What's bothering you? हर्ष. क्या किया हर्ष ने? Dad, हर्ष is cheating on me. बहुत दिनों से देख रही हूँ, लेकिन वो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता. He's just not willing to change.
देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू आर फीलिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात तुम्हें भी समझ लेनी चाहिए। आज तुम जहां हो ना, वो कोई मामूली फैमिली नहीं है। वी आर द नारंग्स, और नारंग परिवार की बहू हो तुम। नंदिता, हर्ष ने जो कुछ भी किया उसे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये तो इस परिवार की क्या कहते हैं परंपरा रही है। एनीवे, हम दोनों को देखो, 30 साल हो गए शादी को, प्यार है, ट्रस्ट है, आइडियल मैरिज है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है मुझे कि तुम्हारी और हर्ष की शादी भी इतनी सक्सेसफुल होगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। देख बेटा, आई नो माई सन बहुत प्यार करता है तुझे। हाँ, एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, हमारा जो बिजनेस है ना, बहुत बड़ा है, बहुत काम करना पड़ता है, और काम की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। जो कुछ भी हुआ है वो एक दिल बहलाने की हरकत समझ लो, नथिंग मोर। वापिस तो अब तेरे पास वापस घर आता है ना, आता है ना घर, एवरी नाइट ही कम्स बैक टू यू। नंदी, जो चीज टूटी नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ना कमान कमान गिव मी अ स्माइल, कमान कमान, गिव मी वन ऑफ योर गॉर्जियस स्माइल्स, कमान, चीयर अप, कमान, गिव मी अ स्माइल नंदी, लुक एट मी एंड स्माइल, कमान। अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, मिल के बताना चाहती थी, एंड लुक, उतने में तुमने घर बुला लिया। तुम्हारा अप्रेजल बहुत अच्छा होने वाला है, यू आर गोना बी सच अ स्टार, आवर क्लाइंट्स हैव लव्ड योर प्रेजेंटेशंस। हम ये काम अब और नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें घिन आती है खुद पर, जितनी नफरत हम खुद से करने लगे उतनी आज तक किसी से नहीं की होगी। अपने जिस्म के साथ कब हमने अपनी रूह का भी सौदा कर लिया पता ही नहीं चला। हम लंदन वापस जाना चाहते हैं, हमें ये सब नहीं करना। नाज़नीन, यू नो, इतना इमोशनल होकर जब डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस नहीं होते हैं, बेवकूफियां होती हैं। तुम्हें एक तरह की लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है, लग्जरी इज अ नेसेसिटी फॉर यू नाउ, और इसमें बुरा भी क्या है? एंड यू नो, इन योर ग्लैमर वर्ल्ड बड़े से बड़े स्टार को भी 10-10 रीटेक देने पड़ते हैं, एंड यू वन टेक, और पैसा सीधा बैंक में। अनन्या, हम फैसला कर चुके हैं, हम ये काम अब और नहीं कर सकते। ओके ओके, मैं कभी जबरदस्ती नहीं करती। यू कैन क्विट इफ यू वांट, इट्स अ फ्री चॉइस वर्ल्ड। लेकिन स्वीट हार्ट, तुम्हारा नाम और फोटो किसी को कमिट कर चुकी हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, अ फॉरेन डिप्लोमैट, दिस वन टाइम प्लीज, एक आखिरी बार मेरे लिए।
थैंक्स सर, इस मैच फिक्सिंग के केस को हम ऑलमोस्ट क्रैक कर चुके हैं। पिछले 6 महीने से मैं और मेरी टीम को जिन लोगों पे शक था उनके खिलाफ सारे एविडेंस मैं इकट्ठा कर चुका हूं। उसमें 4 बुकीज, 5 क्रिकेटर्स, 2 अंपायर्स और कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं। मैं इन सबको अरेस्ट करना चाहता हूं। आई नीड फ्री हैंड सर। गो अहेड परांस पे, गेट देम। आपका नाम क्या है? खान चाय। आपको चॉकलेट चाहिए? थैंक यू दीदी। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुदीप्तो। सुदीप्तो? हेलो। विग्नेश परांस भी है। CBI, मुंबई ब्रांच। SPL सुपर प्रीमियर लीग में जो मैच फिक्सिंग हुआ है उसकी पूछताछ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ओह सॉरी सॉरी, आप एक अच्छे इवेंट में हैं। नो प्रॉब्लम, इवेंट खत्म होते ही बाहर आ जाइए, हमारी टीम आपका वेट कर रही है। आइए। ये कुछ फोटोग्राफ्स है SPL पोस्ट मैच पार्टीज के। ये देखिए, यहाँ है आप। देखिए कैसे सबके साथ घुल मिल रही है। तो आप इन सबको जानती होगी हाँ? अरे हाँ, एक मिनट, ये है आपके फोन कॉल की डिटेल्स। इसमें आपके कॉन्वर्सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। कौन से मैच में किसको कितना खेलना है, कौन से बैट्समैन को कब आउट होना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सबकी कन्फेशन भी ली है मैंने। सभी के स्टेटमेंट में परोमा घोष आपका नाम बहुत कॉमन है। वहां दिल्ली में अखिल सूद का इंटरोगेशन भी चल रहा है, वो भी बोलेगा। इसके बावजूद अगर आपको आपके बचाव में कुछ कहना है तो कह सकती हो। प्लीज फील फ्री। एक कॉल कर सकती हूं? श्योर। आप जिसको आपकी लाइफलाइन समझती है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस गेम से आपको छुड़ा पाएगा। बिना की चटर्जी इंडिया छोड़ के जा चुका है। ही इज एब्सकॉन्डिंग। परोमा घोष, यू आर अंडर अरेस्ट। परोमा के बारे में तो पता चल गया होगा। या न्यूज़ पढ़ने जा रही हो? हाँ शारन, आई जस्ट कॉल टू टेल यू इट्स अ टफ वर्ल्ड बट यू हैव टू बी ब्रेव। लेट्स नॉट जज एनीवन। यू टेक केयर एंड बी स्ट्रॉन्ग। या बाय। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कैलेंडर गर्ल परोमा घोष को क्रिकेट लीग में बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि परोमा ने ये प्लान उसकी बॉयफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर पिनाकी चैटर्जी के साथ मिलकर बनाया था। परोमा इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, पर उसका बॉयफ्रेंड पिनाकी फरार है। और इस घंटे की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड से। कैलेंडर गर्ल बनी परोमा घोष को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। परोमा पर अपने प्रेमी पिनाकी चटर्जी के साथ मिल क्रिकेट लीग में बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग करने का आरोप है। माजी काही गलती नहीं। परोमा घोष कौन है? तू है ना? तेरी बेल हो गई है, तैयार होकर बाहर आ जा। हम
हम लोगों को मुंबई बुलाएगी। बुला लिया, फेमस हो जाएगी। हो गई फेमस, बहुत प्राउड फील कराया है तूने। इतना प्राउड कि तुम्हारा माँ अपना घर का बालकनी में भी खड़ा नहीं रह सकता। पूरा कलकत्ता इसके बारे में बात करता है बाबा। एक तो कार करो तुम्हें, आज के बाद ये चेहरा हम लोगों को कभी मत दिखाना, मुझे जो चलो बाबा, बाबा चलो बाबा। चलो हेलो परमा जी। पर रियलिटी शो में मैं क्यों? क्योंकि मैम हमारी रिसर्च कहती है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जितनी पॉपुलर आप कैलेंडर गर्ल बनने के बाद नहीं बनी, उससे भी ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में आप हो। सोशल मीडिया में भी पिछले दो हफ्तों से आप लगातार ट्रेंड होती आ रही हैं। और आप तो जानती हैं हमारा शो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लेता है। इस शो का फॉर्मेट भी आपको पता है, 10 हफ्तों तक आपको घर में रहना होगा, 24/7 कैमरास आप पर नजर रखेंगे। These 10 weeks will change your life। और इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा चैनल आपको पूरे 50 लाख रुपए का चेक देगा। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात, अपनी सच्चाई, जो कुछ भी आपके साथ क्रिकेट लीग में हुआ, जो भी आपके जेल के एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें आप देश के सामने रख सकती हैं। मिस परमा, लाइफ आपको एक बार फिर से मौका दे रही है, ट्रस्ट मी। यस परमा। इंजमाम, हम लंदन वापस आना चाहते हैं। आपकी बहुत याद आ रही है हमें। मानती हूँ कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पर हमें यकीन है कि आप हमें माफ कर देंगे। हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं इंजमाम। हेलो, आप सुन तो रहे हैं ना हमें? हाँ हेलो इंजमाम। नौ सौ चूहे खाके बिल्ली है भज को चली, तेरे नाम का फातिया पढ़ चुके हैं हम, टक्कर दफना चुके हैं तुझे। फोन रखा राफा, चल हट। मिस्टर दिमित्री। कम इन डार्लिंग, कम इन। सिर्फ नाचोगे या कुछ कर भी पाओगे? यह सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। What?
Will you be able to perform? For Bill. It's just for you. Add me and the Bill. For... Okay. I'll get ready and come. कि परमा और नाज़नीन को इसी एक्सपेक्टेशन में और जब उनके साथ कुछ हो जाता है ये बहस तो चलती रहेगी लेकिन आज हमारे पास वक्त कम है पर जाने से पहले मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मुझे नहीं लगता कि कैलेंडर गर्ल्स जैसे प्लेटफॉर्म में कुछ गलत है मैं खुद एक कैलेंडर गर्ल रह चुकी हूं मयूरी चौहान जो आज एक सक्सेसफुल फिल्म करियर बना रही है वो भी एक कैलेंडर गर्ल रह चुकी है नंदिता मेनन हु इज ऑल्सो अ कैलेंडर गर्ल इज हैप्पीली मैरिड टुडे प्लेटफॉर्म या ट्रैक से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए इंडिविजुअल चॉइसेस पर लाइफ इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल चॉइसेस वी मेक इजंट इट दिस इज शारन पिंटो साइनिंग ऑफ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर बड़ी बहस पर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि 10 दिन तक नाज़नीन की बॉडी एक मॉर्ग में थी और किसी ने बॉडी क्लेम तक नहीं की It's just so inhuman. That's so sad. We lost a good friend. I'm so sorry, Paruma. तेरे साथ जब ये सब हो रहा था, मैं खुद बहुत स्ट्रेस में थी. आ नहीं पाई. I'm sorry. आसपास जितनी भीड़ होती है, इंसान उतना ही अकेला होता है. ये मुंबई शहर है.
यहाँ पे लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक का इंतजार करते। कुछ बीच छूटा है, कुछ है जो टूटा है, लगता खुदा भी आज हमसे रूठा।